हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव ठकरानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा यहाँ गांव में दूसरा दिन है। अभी सुबह के 6 बजे है और यहाँ ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी हम लोग टेंट में थे तब तो ठंड काफ़ी लग रही थी, इसलिए सोचा कि चलो बाहर वापस से आग लगाते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा। तो बस स्टार्टिंग में मैं और देवांग दोनों आग लगाए, अभी स्टार्ट किए तो हिंसी और चाना है वो भी जग गए थे तो वो भी बाहर आ गए। तो बस अभी तो बाहर बैठते आग के पास ही रहना है क्योंकि ठंड अभी मुझे लगता है शायद 5-6 सेल्सियस जितना टेम्परेचर है सुबह का। तो वैसे कल रात को तो हुआ यूँ कि हम लोग 1-2 बजे तक बैठे थे, बाद में तो बस अब धीरे धीरे सब दोस्त सोने लगे तो और तो कुछ किया नहीं। तो रात को मैंने कुछ दिखाया तो था नहीं। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग 2-3 घंटा अभी सुबह बैठना है और अभी तो बस सब उठ जाए तो चाय और सब बनाते हैं। तो अभी तो देखो पीछे आपको आग भी दिख रही होगी, तो चलिए अभी पास से जाके आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और हम लोग अभी के पीछे पनीर भुर्जी बना रहे हैं। और बात ऐसी है कि हम ऑयल और सब तो वहाँ पे कार पे पड़ा है तो हम लोग अभी लेने जा रहे हैं। और ये सब चद्दर और सब वापस से स्पीकर भी है साथ में वहाँ पे रख देंगे और बस ऑयल लाने जा रहे हैं और थोड़ा सामान वहाँ पे रख के यहाँ पे बनाते हैं और दिखाता हूँ आपको वैसे। एंड थोड़ा यहाँ की बात करूँ तो भाई ये पूरा देखो जंगल ही है, कार तो हमारी 100-200 मीटर ही अंदर है तो बस यहाँ से चल के जाना होता है। और रात की बात करूँ तो वैसे ठंड तो थी काफ़ी, 3-4 बजे तो वैसे भी आ ही जाती है। तो बस तो वैसे नींद 3-4 घंटे की आराम से हो गई तो बस पूरा दिन अच्छा हो जाएगा भाई। अभी 11 बजे है बेटा, हम लोगों ने देखो भाई पीछे सब क्लियर कर दिया और अभी जा रहे हैं वापस कार के पास। और ये देखो सब सबके पास सामान है वहां से। हम लोग पहले यहाँ से तो अभी कार के पास जाएंगे और यहाँ से अभी देखते हैं एक और विलेज लेना है। तो अभी थोड़ी देर वहां पे बैठेंगे कार के पास और ये सब सामान रख के जाते हैं भाई। बस ये देखो कार के पास आ गए है एंड सामान सब रख दिया है हमने। वैसे अभी तो हवाएं भी चल रही है, अच्छा है सब। हमने जल्दी यहाँ से बस अब थोड़ी देर के बाद निकलते हैं और शायद बारिश भी होने वाली है तो पहले जल्दी निकलना ही बेस्ट है। वैसे ये विलेज भी अच्छा था, तिलंज की विलेज है। और वैसे हम लोग तो अभी विलेज में तो है ही नहीं, उसके तो 1-2 किलोमीटर दूर ही है ये जगह पे। तो अभी तो हम लोग तातस के शायद कोई एक विलेज है, हाँ वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी 5 मिनट में यहाँ से निकलना है और अगर वहाँ पे रास्ते में कोई अच्छी ऐसी जगह आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तासासी से करीब 40 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी थोड़ा सा मीन्स की अच्छा नहीं है तो अभी भी 50 मिनट्स तो लगेंगे ही। वैसे एनवायरनमेंट तो यहाँ पे क्लाउडी है, अभी बारिश हो रही थी और बीच में तो काफी ज्यादा हो रही थी, वो कोड़े भी गिर रहे थे तो वहाँ पे कम करनी पड़ी स्पीड। तो अभी तो वैसे 3 बजने वाले है तो वहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटा रहेंगे और बाद में डायरेक्ट उफा ही जाएंगे, तब तक तो रात भी हो जाएगी। तो बस अभी तो देखते रहना है।
हम लोग दासास्ती पहुंच गए हैं, तो मैं आपको ये पूरे विलेज का पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये लोकेशन तो वैसे काफी अच्छा है, और ये गांव भी मतलब ये जो माउंटेन के बीच में है तो काफी अच्छा लग रहा है इधर, और गांव भी वैसे काफी शांत है। तो बस अभी हम लोग ने यहाँ पे एक घंटा में सबने फोटो सब खिंचवाए थे, तो बस अभी तो 5 बज गए हैं, तो अब डायरेक्ट उफा ही जाते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस उफा, और अभी मेरे साथ तो युवा तेज है, साहिल है, और आगे सूरज और देवंग भी गाड़ी चला रहा है। और यो तेज कैसा रहा, मतलब रिव्यू तो कुछ दो। हमारा सफर बहुत सच में अच्छा रहा, और मुझे तो लगता है हम स्टूडेंट्स को ना कभी कभी बीच में ऐसे नेचर्स में घूमते रहना चाहिए, ताकि हमारा माइंड थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए और पढ़ने के लिए और मन हो जाए। और जगह तो बताना ही नहीं, आपने व्लॉग में देख लिए होंगे, बहुत बढ़िया था जगह, और माइंड पीस होने वाली जगह थी, बहुत अच्छी जगह है। ऐसे युवा तेज हमारे जो 5th ईयर है उसके पूरा भाई लीडर है, हम लोग वैसे 5th ईयर में अभी 250 से 300 स्टूडेंट है, तो बस लीडर है वो, और वैसे यूनिवर्सिटी में काफी रिस्पेक्ट है इसकी। तो बस अभी जाते हैं, और अभी रास्ते में अगर कुछ ऐसा दिखाने लायक जगह आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक विलेज है, उसमें ये पेट्रोल पंप के पेट्रोल पंप पे आए हैं, यहाँ सामने बस फ्यूल के लिए। वैसे आज तो अच्छा है भाई, पहली बार मैंने रशिया में आके कार ड्राइव की है, क्योंकि रास्ता भी वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा था, तो सोचा कि चलो एक बार मैं भी चला ही लेता हूँ, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया है मैंने, वहाँ इंडिया में ही मैंने चलाई थी। अभी यहाँ पे प्राइस करीब, हाँ सामने ये दिख रही है 92 है, उसका 51 रूबल्स है। तो बस अभी यहाँ से तो उफा अभी शायद 150 किलोमीटर दूर है, तो अभी भी हमको 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही। अभी बजे है रात के 9, और हम लोग आ गए वापस घूम के ये हमारे हॉस्टल के बाहर, और बिपिन भाई को कॉल किया तो बिपिन भाई भी बाहर आए मुझे देखने, और सामान और सब ये तो बस ऐसे ही कहना पड़ता है, सामान अभी है ना मेरा, तो इसमें तो साथ में लेने आए है। और बिपिन भाई अभी कैसे है आपके दिन, कैसी रही मेरी गाड़ी कैसी है? देखो भाई ये बिपिन भाई की गाड़ी है, अभी हाल ही में ली है इन्होंने, प्राइस सेकंड क्लास है। हाँ अरे वो तो भाई सेकंड क्लास है, ऐसी लगती नहीं भाई, होता है फिर फॉर्च्यूनर। हाँ 120-130 तक ऐसे आराम से चली जाती है, लगता ही नहीं है कि सेकंड क्लास है। और बस चलिए, तो बस अभी जल्दी अंदर जाके भाई, मैं मुझे खाना है तो अंदर खाना खाता हूँ, और आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी बिपिन भाई के साथ चलो भाई, बिपिन भाई और कुछ नहीं ना, नहीं, तो बस शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए भाई, अब तो थक गया हूँ मैं, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।